इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। ये पेरिस की बेस्ट बेकरी है। मेरे बच्चे तो यहाँ के दीवाने हैं। लकी हो, अभी ओवन से ताजे बाहर निकाले हैं। सॉरी, देर हो गई। मैं एप्पल्स ले आई हूँ। तुम दोनों ठीक तो हो ना? सॉरी। कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम ठीक हो ना, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। मैं गड़बड़ करती रहती हूँ, मुझे आदत है। वैसे देखा जाए तो मैं बहुत गिरती हूँ, मुंह के बल, नींद में, बिस्तर से नीचे, कपड़ों में उलझकर, या फिर प्यार में। आई एम रियली सॉरी, क्या मैं इसके बदले आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? कोई बात नहीं, रहने दो। अरे नहीं मॉम, क्या आप एक डजन क्रोसॉन्स पैक कर देंगी? जोई। हेलो जोई, मैं हूँ चलती फिरती आफत। तुम्हारा एक्सेंट कहाँ का है? बहुत अच्छा है। मैं न्यूयॉर्क से हूँ। वाओ कूल, तुम पेरिस में क्या कर रही हो? मैं यहाँ फैमिली के साथ रहने आई हूँ। Well, तब तो तुम्हें मजा आएगा। तुम चाहे जहाँ रहो, अपने करीबी लोगों के साथ रहोगी तो हमेशा घर जैसा लगेगा। सॉरी। वाओ, तुम्हारी स्नीकर्स तो ऑसम है, तुमने इन्हें खुद पेंट किया? हाँ, मुझसे अगर किसी ने कुछ अच्छा कहा तो मैं उसे लिख देती हूँ ताकि वो बात हमेशा मेरे साथ रहे। पर यहाँ तो एक ही मैसेज है। मेरी एक ही फ्रेंड थी। रात को फैमिली के साथ बिजी नहीं हो तो मेरे फ्रेंड्स का आज नदी पर बोट में कॉन्सर्ट है। मैं अपना नंबर दे देती हूँ। तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें अपना नंबर दूँ? यहाँ नंबर लिखोगी तो भूलूंगी नहीं। बाय, रात को मिलते हैं। लो, अपने बच्चों को दे देना। वाओ, पर तुम अपनी फैमिली को इनमें से कुछ नहीं दोगी? नहीं, उन्हें मीठा ज्यादा पसंद नहीं है। वेल, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। वेलकम मिस जोई, मेरे साथ आइए प्लीज। माफ करना मैडम, पर आपकी बेटी मैडम जोई आई है। जोई, ओह कितनी बेकार लग रही हो, तुम्हारी फ्लाइट एकदम सस्ती वाली थी क्या? इकोनॉमी क्लास में किसी ने एकदम सस्ता कलोन लगाया था और फ्लाइट अटेंडेंट ने प्लेन की खिड़की खोलने से भी मना कर दिया। तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए प्राइवेट जेट नहीं भेजा? हमेशा की तरह बिजी होंगे शायद। तुम पेरिस में हमारे साथ रहना चाहती हो, ठीक है, पर तुम्हारे बोर्डिंग स्कूल में क्या परेशानी हो गई थी? मेरे लॉकर में कॉकरोचेस थे, आप सोच सकती हैं? चलो कोई बात नहीं, जॉन क्विंटन, इसे इसकी बहन के पास ले जाओ। तुम हो जोई, ब्लॉन्ड बाल, नीली आंखें। चलो, अब तक तो फैमिली स्टैंडर्ड के मुताबिक ही हो। मेरी बहन बनने के लायक हो तुम, कम से कम दिखने में। सेल फोन, तुम्हें इसका केस बदलना होगा, इसमें गोल्ड या डायमंड्स नहीं। अब ये क्या है? ये देखा, इन जूतों में लाइफ है और लाइफ में विनर्स और लूजर्स होते हैं। विनर्स के पैर हमेशा ऐसे जूतों में होते हैं और लूजर्स इनके सोल के नीचे कुचले जाते हैं। तो ये तुम्हें चाहिए? अगर तुम्हें विनर बनकर इस फैमिली का हिस्सा बनना है तो तुम्हें यहाँ अपनी जगह कमानी होगी। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और अगर तुम मेरी बहन बनने के लायक साबित हुई तो मैं तुम्हें मेरे जूते भी पहनने को दे दूंगी। रूल नंबर एक, तुम्हारे डैड का काम है तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करना जब तुम चाहो। डैडी, स्कूल जाने से पहले लिमो को पिंक कलर पेंट कर दो। पर इतने जल्दी?